मिनिस्टर है, कोई एमएलए है, कहने का मतलब है यूथ को मौका नहीं दिया जाता। यूथ को मौका नहीं दिया जाता सर, अगर आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी टिकट देती है आपको, तो क्या प्रत्याशी के रूप में उभरेंगे अपने क्षेत्र से सर? देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन रहेगा मेरे लिए, और इससे अगर पार्टी अगर मेरे पे विश्वास करती है, मुझे आदेश करती है कि आपको किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने तरफ से 100% दे पाऊँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का समर्थन हमें मिल रहा है। जिस तरह जनता हमें सपोर्ट कर रही है, जिस तरह हमें यूथ सपोर्ट कर रहा है, इस आगामी चुनाव 2022 में हम 1000% आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। और रिक्वेस्ट भी मैं सभी से करूंगा कि एटलीस्ट एक विकल्प के रूप में देखा जाए, क्योंकि हमने 10 साल कांग्रेस को देखा, 10 साल बीजेपी को देखा, हमारे हाथ में दोनों में से कुछ नहीं मिला। तो ये है कि अगर कुछ डेवलपमेंट, कुछ बदलाव हम कर पाए आम आदमी पार्टी को लेकर, तो ये हमारे उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात होगी। सर पार्टी तो जो भी कर रही है कर रही, लेकिन आप क्या कर रहे हैं सर अभी? देखिए जितने भी हमारे पास लोग आते हैं जिनकी अलग अलग समस्याएं होती है, कोई की बेटी की शादी होती है, किसी को भोजन की समस्या होती है, किसी को रहने की समस्या होती है, तो मेरी एक अपनी सामाजिक संस्था है अपना रोटी बैंक, जिसमें कि हमने पिछले 6 साल से लगातार काम करते आ रहे हैं, और इस कोरोना काल में तो हमारी संस्था ने, मैं कहता हूँ कि बहुत काम किया, जितना हम दिन रात हो पाए हमने वो काम करा। और रोडों की समस्या है हमारे क्षेत्र में, कुछ जगह रोड टूटी रहती है, वहाँ पे मैं अपने आप खुद वहाँ मलबा डलवाया, कुछ रोडें हमने खुद बनवाई हैं, कहीं अगर स्ट्रीट लाइट नहीं लगी स्ट्रीट लाइट हम लगवा देते हैं। जो आम जनमानस की छोटी मोटी समस्याएं होती है, किसी के बच्चे की फीस नहीं दी जा रही, हम जितने भी मित्र लोग हैं पैसे इकट्ठे करके उस बच्चे की फीस देते हैं, किसी का एडमिशन कराना हो, मतलब कहने का ये है कि अगर कोई हमारे पास कोई भी व्यक्ति आता है, हम उसकी पूरी कोशिश करते हैं किसी न किसी तरह उसकी समस्या का निदान किया जाए। विधानसभा में रहता हूँ, मेरे यहाँ मेरा बचपन है, यहाँ से पला बड़ा हो गया, मैंने अपने पूरा जीवन अपना यही जनसेवा में दिया, यहाँ के लोग मुझे प्यार करते हैं, तो मैं अगर मेरी कोशिश रहेगी कि अगर मैं चुनाव लड़ूँ और पार्टी आदेश दे, तो मैं धर्मपुर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहूँगा। तो यहाँ दो दिग्गज ऐसे हैं कि जो कि विनोद चमोली और दिनेश अग्रवाल, तो उनके आगे क्या फाइट कैसे रहेगा? देखिए यहाँ ये जो जो इतने बड़े आपने नाम लिए हैं, हालांकि मेरा राजनीतिक का दिन के सामने छोटा है, मैं इनसे बहुत जूनियर भी हूँ, मैंने इनको देख के बहुत कुछ इन लोगों से सीखा भी है, लेकिन इनसे मुझे एक ये आते है कि इन लोगों ने सिर्फ अपना अपना घर भर बना घर भरा है, सिर्फ अपने बारे में सोच रखी है। जो व्यक्ति 3 बार से, मैं कहता हूँ हमारे जो यहाँ पे विधायक हैं अपना धर्मपुर विधानसभा से, ये पहले 3 बार मेयर रहे हैं, 3 बार मेयर रह के इन्होंने क्या सौंदर्यकरण किया, ये तो 20 साल से सत्ता में है, ठीक है ना सर? ये आंसर दोबारा रिपीट कर देंगे।